अपने दर्शकों को बता दें कि चीन से जुड़े 118 और मोबाइल ऐप सरकार ने बैन कर दिए हैं और इनमें सबसे पॉपुलर पबजी मोबाइल गेम ऐप उस पर भी बैन लगा दिया गया है। सूचना प्रसारण मंत्रालय का यह फैसला है। अब से कुछ मिनट पहले यह बड़ी खबर सरकार की तरफ से, राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरे के मद्देनजर। सोच तो एक ही बात का है श्रीमंत, आप हमसे हमारी जिंदगी मांग लेते, हम आपको खुशी खुशी दे देते, पर आपने तो हमसे हमारा गुरूर छीन लिया। ब्रेकिंग चूस్తున్నాం, పబ్జి గేమింగ్ యాప్ పై నిషేధం విధించింది కేంద్రం। పబ్జి సహా మొత్తం 118 చైనా యాప్లపై తాజాగా నిషేధం విధించింది। దీంతో గూగుల్, యాపిల్ ప్లే స్టోర్ల నుంచి ఆ యాప్లు అన్నిటినీ తొలగించారు। తాజాగా నిషేధం విధించిన వాటిలో పబ్జి తో పాటు పబ్జి లైట్, వీచాట్ వర్క్, అలాగే వీచాట్ రీడింగ్ ఉన్నాయి। ఈ యాప్స్ దేశ సమగ్రత, సార్వభౌమత్వానికి భంగం కలిగిస్తున్నాయని భావిస్తోంది కేంద్రం। దేశ భద్రత தற்போது அண்மை செய்தியை பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். 118 சீன செயலிகளுக்கு மத்திய அரசு தடை விதித்திருக்கிறது। அண்மை செய்தியாக பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம், பப்ஜி உள்ளிட்ட 118 செயலிகளுக்கு மத்திய அரசு தடை விதித்திருக்கிறது। அண்மை செய்தியாக பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம், நியூஸ் சீனா மூலத 118 ஆப்களை பேன் மாடி ஹொச ஆதேச ஹொரடிசிதே கேந்திர சர்க்கார்। ನೂರ ಹದಿನೆಂಟು ಆಪ್ಗಳನ್ನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪಬ್ಜಿ ಕೂಡ ಒಂದು। 118 മൊബൈൽ ആപ്പുകൾ കൂടി കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിരോധിച്ചു। കേന്ദ്ര ഐടി മന്ത്രാലയമാണ് ആപ്പുകൾ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നത്। പ്രശാന്ത് രഘുവംശം ചേരുകയാണ്। പ്രശാന്ത്, കൂടുതൽ കർശന നടപടിയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വിശദാംശങ്ങൾ? ആ ശീതൽ, തീർച്ചയായിട്ടും നേരത്തെ ചൈനയ്ക്കെതിരെ ശക്തമായൊരു നീക്കം ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യ നടത്തിയിരുന്നു। ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ നടപടികൾ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരികയാണ്। വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിവരം ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത്, പബ്ജി എന്ന മൊബൈൽ ഗെയിം ഇപ്പോൾ നിരോധിക്കാനുള്ള ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നതാണ്। മേരാ നാം മധുമിത സെൻഗുപ്ത ഹെ, മേരാ ബേട്ട കക്ഷ നവിക ഛാത്ര ഹെ। മഹോദയ, പെഹലേ മേരാ ബേട്ട പഠായി മേ ബഹുത് അച്ഛാ ഥാ, ടീച്ചേഴ്സ് അപ്രീഷിയേറ്റ് കർത്തേ ഥേ, लेकिन अभी कुछ समय से ऑनलाइन गेम्स की तरफ उसका झुकाव कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है, जिसके कारण उसके पढ़ाई पर फ़र्क पड़ रहा है। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की है, लेकिन मुझे लगता है मैं असफल हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मैं इस स्थिति को कैसे संभालूँ। धन्यवाद। पायनी, कृपया इस पर अपने विचार प्रकट करें। ये पबजी वाला है क्या? हाँ जी हाँ। जैसे ही घर आया पता चला कि पबजी बन गया है। क्या यार, क्या हो गया गाइस? इस न्यूज़ को मैंने 4-5 महीने पहले ही कवर कर दी थी और बताया था कि पबजी क्यों बैन होने वाला है और बैन होगा ही। इसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर कार्ड भी दे रहा हूँ गाइस, जाके चेकआउट कर लेना। फ्री फायर बैन हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये भी जान लेना। चलो गाइस, डिस्कस करते हैं कि पबजी वापस आएगा या नहीं आएगा। गाइस, पबजी के वापस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि पबजी का ई स्पोर्ट्स बहुत बड़ा है गाइस। और गाइस, क्या करेंगे पबजी वाले, आप जो भी टेंशन के साथ उनका अग्रीमेंट है वो ख़त्म कर देंगे और उनका शेयर वापस कर देंगे और ख़ुद की कंपनी का पूरा शेयर डाल के वापस आएंगे। इसमें बहुत टाइम लगेगा, शायद 1 साल या 1.5 साल भी लग सकता है गाइस, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी है, सारा झोल झाल करके आने में बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन वापस आ सकता है गाइस पबजी। तब तक पबजी वाले बंदे करेंगे क्या गाइस? देखो, फ्री फायर तो खुला है। अपने दोस्तों को बोला चल आ जा भाई, कोई गम नहीं, रुक जाओ फ्री फायर खेल लो। बेटा मन छोटा ना कर, तू तो बहादुर बेटा है मेरा। चल बेटा, चल, 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 ना, ना बेटा ना।
इसी तरह से उन्हें समझा के बुझा के भाई ला लो फ्री फायर में, फ्री फायर खिला लो। चलो गाइस अपने पबजी के दोस्तों से बोलो कि फ्री फायर पबजी वापस आ सकता है, लेकिन तब तक फ्री फायर खेल सकते हैं, तो बुला लो गाइस। कोई बात नहीं, पबजी बैन हो गया तो क्या होगा गाइस, फ्री फायर तो है। अपने फ्री फायर के बंद पबजी से के बंदों से बोलो चलाओ फ्री फायर खेल लेते हैं, साथ में खेल के मज़े करते हैं। इतना ही था गाइस, पबजी बैन हो गया है, फ्री फायर बैन होगा या नहीं होगा इसकी वीडियो भी आपको मैंने पहले ही बना के दे दी है, जाके आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना गाइस। आपको सिर्फ इतना इन्फॉर्मेशन देना था कि पबजी बैन हो गया, वापस आ सकता है नहीं आ सकता, इसके बारे में फर्स्ट इन्फॉर्मेशन देना था, दे दिया है गाइस। और भी एक्साइटिंग वीडियोस आने वाले हैं गाइस, और एक रिक्वेस्ट वीडियो भी थी गाइस, बहुत सारे बंदे हैं गाइस जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। हाँ गाइस, सिर्फ 4% सब्सक्राइबर्स के व्यूज आते हैं गाइस नए, और बाकी 94% बंदे हमारे वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं गाइस। गाइस इतनी एक्साइटिंग वीडियोस और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते हैं गाइस, आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कैसे चलेगा भाई, कर लो यार, वीडियो तो देखते हो, सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, तुम्हारा कुछ नहीं जाता, हमारा भी कुछ नहीं जाता, आपके जब से कुछ नहीं जाएगा, हमारे जब हमारे जब में कुछ आएगा भी नहीं गाइस। चलो गाइस वीडियो को लाइक करना मत भूलना गाइस, एक वीडियो पे जितने भी आप लाइक्स करते हो गाइस, और दूसरी वीडियो और भी मज़ेदार बनाने के लिए वो मोटिवेट करता है गाइस। चला गाइस वीडियो में लाइक्स कर देना गाइस, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। टाटा बाय बाय, मिलेंगे अगली वाली वीडियो में गाइस, बाय बाय।